जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। दोस्तों, आज का ये प्रश्न पत्र 64 पोस्ट मेंस का जो सबसे लेटेस्ट परीक्षा है दरोगा के इतिहास में, अभी तक का सबसे लेटेस्ट प्रश्न पत्र आपके सामने आज हम लाए हैं। इससे पहले इसका पीटी का पेपर आपके सामने लाए थे जो कि आप देखे होंगे, लेकिन इस बहुत लंबा वीडियो था, इस वीडियो में हम बदलाव करने जा रहे हैं। इस वीडियो में सिर्फ हम प्रश्न पढ़ेंगे, एनालिसिस को हम बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ने वाले हैं, क्योंकि उसको पढ़ने से वीडियो बहुत लंबा बन जाता है। आपको पीडीएफ मिलेगा, आप पीडीएफ से एनालिसिस को खुद से पढ़ लीजिएगा। हम सिर्फ प्रश्न और उसका उत्तर पढ़ेंगे, जहाँ पे उचित लगेगा तो एनालिसिस में हाईलाइट कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और बात है जहाँ तक पीडीएफ का, कि पीडीएफ कहाँ मिलेगा, इसका जो पीडीएफ है दोस्तों, ये पीडीएफ के बारे में चर्चा कर देते हैं आपसे। तो पीडीएफ का पासवर्ड इस वीडियो में कहीं कहीं पर आपके सामने लिखा हुआ आएगा। अगर आप ध्यान से वीडियो देखते हैं तभी आपको पीडीएफ मिलेगा, अन्यथा हम पासवर्ड अब इसका नहीं बतलाने वाले हैं। आपको इसी वीडियो में कहीं पर ब्लिंक करते करते लेटर्स आएंगे और उसमें पासवर्ड लिखे रहेंगे, तो आप ध्यान से देखते रहिएगा। तो चलिए हम इस प्रश्न पत्र को शुरू करते हैं दोस्तों। देखिए, देख लीजिए, 64 पोस्ट मुख्य मुख्य परीक्षा का है। देखिए, इसमें पहला जो परीक्षा हुआ 23/6/2024 को, पहला इसमें प्रश्न है कि 140 भाषाओं में गायन का विश्व रिकॉर्ड बनाने का गौरव किस भारतीय को प्राप्त है। ऐसा कौन सा भारतीय व्यक्ति है जो 140 भाषा में गा चुका है। तो दोस्तों, वो है सुचेता सतीश। नाम याद रखिएगा, सुचेता सतीश ऐसे व्यक्ति है जो 140 भाषाओं में गायन का रिकॉर्ड स्थापित कर चुके हैं। ये जो है कॉन्सर्ट दुबई में एक आयोजित कंसर्ट ऑफ क्लाइमेट नामक कार्यक्रम आयोजित हुआ था, उसी में ये ऐसा कीर्तिमान स्थापित किए हैं, 19 वर्ष के हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से पूर्व दिशा की ओर प्रवाहित होने वाली नदी कौन है। इनमें से कौन सी नदी है जो पूर्व दिशा की ओर बहती है। दोस्तों, हो जाएगा ए नंबर बैतरणी नदी जो है, यह पूर्व दिशा की ओर प्रवाहित होने वाली नदी है। चलिए देख लीजिएगा, कहाँ से निकलती है, कहाँ जाके गिरती है, ये सब याद रखिएगा। नर्मदा नदी के बारे में आप जरूर याद रखिएगा, अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है, खंभात की खाड़ी में गिर जाती है। इसके ऊपर धुआंधार जलप्रपात है, सरदार सरोवर परियोजना है, ये सब एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हमारा तीसरा नंबर प्रश्न है कि किस अनुच्छेद में भारत सरकार के कार्यों का वर्णन है। तो अनुच्छेद 77 में दोस्तों भारत सरकार के कार्यों का वर्णन होता है। एनालिसिस पीडीएफ से पढ़िएगा दोस्तों, आपको पीडीएफ दिया जाएगा। मानव ठक्कर किस खेल से संबंधित है। तो मानव ठक्कर जो है यह टेबल टेनिस से संबंधित है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मानव ठक्कर टेबल टेनिस। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। विश्व का प्रथम मुना मिलानिस्टिक टाइगर सफारी किस राज्य में शुरू हुआ है। मेलानिस्टिक, मेलानिन एक तरह का रसायन होता है जो चमड़ा में पाया जाता है दोस्तों, जो कलर का निर्धारण करता है, स्किन कलर का निर्धारण करता है। तो ऑप्शन दोस्तों इसका हो जाएगा उड़ीसा में। मेलानिस्टिक टाइगर सफारी किस राज्य में शुरू किया गया है दोस्तों, तो उड़ीसा में शुरू किया गया है मेलानिस्टिक टाइगर सफारी। देखिए इसे पढ़िएगा आप लोग, इसमें आप अभी तक भारत में कुल 55 टाइगर रिजर्व है। 1973 का अधिनियम है दोस्तों, आप लोग जानते हैं टाइगर रिजर्वेशन, टाइगर को मतलब बाघ बचाव परियोजना इस तरह से इंदिरा गांधी के समय निकाला गया था। देख लीजिए 55 टाइगर रिजर्व है, एक बार हम पढ़ते जाते हैं क्योंकि हमको भी थोड़ा सा याद हो जाएगा। जिम कॉर्बेट उत्तराखंड, सिमलीपाल उड़ीसा, सातकोसिया उड़ीसा, कान्हा टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश, पेंच टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र, बांधवगढ़ मध्य प्रदेश, पन्ना मध्य प्रदेश, सतपुड़ा मध्य प्रदेश, संजय डुबरी मध्य प्रदेश, रणथंभौर राजस्थान, सरिस्का राजस्थान, मुकुंद्रा हिल्स राजस्थान, रामगढ़ बिसधारी राजस्थान, राजाजी टाइगर रिजर्व उत्तराखंड, रानीपुर टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश, राजा रानीपुर टाइगर रिजर्व 53वां नंबर है, टोटल 55 है उत्तर प्रदेश में है, और रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व 54वां है मध्य प्रदेश में है, धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व 55वां है और राजस्थान में है। चलिए 1973 में देख लीजिए
जो है टाइगर प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट टाइगर निकाला गया था, और कैलाश शाखला को टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखिए 16 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा। इसके लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था। चलिए तो क्यों मनाया जाता है एक बार देख लीजिए, यहाँ जो है एक बार 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ है, ओजोन गैस का क्षरण हो रहा था ऐसा देखा था अंटार्कटिका में। जो वैज्ञानिकों ने है सर्वप्रथम वैज्ञानिकों ने अंटार्कटिका में ऐसा देखा था कि ओजोन परत का क्षय हो रहा है, इसलिए मॉन्ट्रियल समझौता हुआ था 1987 में, और यह हुआ था 16 सितंबर को हुआ था, इसी कारण से जो है 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, थोड़ा सा आवाज़ उतना साफ नहीं हो पाया है, सर्दी हुआ था, फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं कि हम थोड़ा सा पढ़े इस चीज़ को, वीडियो बनाए इसका। भारतीय संविधान में सहकारी समिति का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है, तो 43 के बी में किया गया है, और यह है 97वें संविधान, 97 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा सहकारी समिति को जोड़ा गया है 43 का बी। जानते हैं 73वां संविधान शासन होता है पंचायती राज, और ये 97 हुआ है सहकारी समिति, जो कि है बी में, यानी कि 43 के बी में है। बाकी आप शेष पीडीएफ से पढ़िएगा। आकाश में सबसे निचले स्तर का बादल कौन सा है, तो दोस्तों हो जाएगा अस्तरी मेघ। ये जो अस्तरी मेघ है यह सबसे निचले स्तर का बादल होता है। लिखने का बहुत कुछ लिखा गया है जो दिमाग ख़राब हो जाएगा पढ़ते पढ़ते, पढ़िएगा आप लोग पीडीएफ से, लेकिन देखिए हम यहाँ पे समझाते हैं। तीन तरह के बादल, एक लो, एक मिडिल, एक हाई, ठीक है, उच्च मध्य स्तरीय। अब देखिए जो लो है उसमें भी पांच तरह का होता है, एक स्टेटस, यानी कि समझिए पांच तरह का होता है, देख लीजिए पढ़ लीजिएगा। मिडिल वाला में तीन तरह का होता है, यह चित्र समझाया गया है, और हाई में भी तीन तरह का होता है, आगे आप पढ़ लीजिएगा। बादल तीन स्तर में बटे होते हैं, उसमें भी कई सारे स्तर होते हैं, कई तरह के बादल होते हैं, उच्च मध्य निम्न। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखिए हमारा 9 नंबर प्रश्न है कि पीके युन्थन समिति किससे संबंधित है। दोस्तों ये स्थानीय समिति से संबंधित है, पीके युन्थन समिति पंचायत से संबंधित इसमें प्रावधान दिए गए हैं। आगे बढ़ते हैं, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी, तो ये बनी है नीना सिंह। जितनी भी महिला नए नए पोस्ट पर आ रही है उसको आप लोग याद रखिएगा, हम भी एक उसका सूची बनाए हैं आपके साथ साझा कर देंगे, क्योंकि महिला अगर कुछ बनती है नया काम करती है तो बिहार दरोगा एग्ज़ाम में पूछा ही पूछा जाता है एकदम फिक्स। तो केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की पहली महिला महानिदेशक नीना सिंह। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे कुछ महिला के बारे में दिया गया है कि सुमन कुमारी पाकिस्तान में सिविल जज के रूप में नियुक्त होने वाली पहली हिंदू महिला है। दोस्तों अगर महिला पाकिस्तान में भी कुछ बनती है तो भारत ने पूछ लिया जाता है। गीता राणा लद्दाख में सेना की पहली महिला अफसर, गीता राणा। शिवांगी सिंह भारत की पहली महिला फाइटर पायलट बनी है, शिवांगी जोशी नौसेना की पहली महिला पायलट बनी है। रितु बहरी उत्तराखंड हाई कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है। अक्षता कृष्णमूर्ति मंगल ग्रह पर रोवर संचालित करने वाली भारत की पहली महिला, सॉरी दोस्तों आवाज़ थोड़ा लटपटा जा रहा है, पहली महिला भारतीय नागरिक बनी है अक्षता कृष्णमूर्ति, जो कि जानते होंगे प्रिजर्वेंस रोवर जो नासा का 2020 में मंगल पर गया था उसको कंट्रोल करके उतारने वाली यही थी अक्षता कृष्णमूर्ति। हालांकि वो सब पुराना दिया गया है आंकड़ा, नया आंकड़ा भी सर को शामिल करना चाहिए। वायुमंडल में ऑक्सीजन का पुनर्चक्रण किस विधि के द्वारा होता है, तो दोस्तों यह जो है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ही ऑक्सीजन का पुनर्चक्रण संभव हो पाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखिए इसी के बारे में दर्शाया गया है कैसे क्या क्या ऑक्सीजन का पुनर्चक्रण होता है, पढ़िएगा आप लोग इसको।
स्थानीय स्वशासन के प्रतिनिधि को चुनाव लड़ने की न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए? तो ये होती है दोस्तों 21 वर्ष। 21 वर्ष में मुखिया बन सकते हैं दोस्तों, अगर आपका 21 वर्ष पूर चुका है और आप मुखिया बनना चाहते हैं, सरपंच बनना चाहते हैं, वार्ड बनना चाहते हैं, तो आप चुनाव में खड़ा हो सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों, स्थानीय स्वशासन में प्रतिनिधि को चुनाव लड़ने के लिए 21 वर्ष। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्थानीय स्वशासन मतलब पंचायत होता है दोस्तों। चलिए जानते हैं स्थानीय स्वशासन का सबसे पहला विचार, मतलब महात्मा गांधी का ये विचार था कि भारत में स्थानीय शासन होना चाहिए, उनका भी ये प्रबल विचार था। आइए यहाँ पर कूट मिलाना है। कुछ पुस्तक दिए गए हैं और उनके लेखक दिए गए हैं, देखिए एक बार चारों आप क्या क्या दिए गए हैं। देखिए माई प्रेसिडेंशियल ईयर्स, ये जो है पुस्तक, यह ये आर वेंकट रमन जी का पुस्तक है, यानी एक का जो है ये चार हो जाएगा। माई प्रेसिडेंशियल ईयर्स, आर वेंकट रमन। अगला है माई कंट्री माई लाइफ, माई कंट्री माई लाइफ, ये जो है दोस्तों यह किसका है, आइए थोड़ा देख लेते हैं, रिस्क हो जाएगा, बी नंबर होगा। तो ये लाल कृष्ण आडवाणी का, माई कंट्री माई लाइफ, ये लाल कृष्ण आडवाणी का होगा। माई कंट्री माई लाइफ, लाल कृष्ण आडवाणी। द इनसाइडर, द इनसाइडर पीवी, हाँ द इनसाइडर पीवी नरसिंह राव, द इनसाइडर पीवी नरसिंह राव का पुस्तक है। और डायनेमिक्स ऑफ एन ओपन सोसाइटी, यह पुस्तक जो है दोस्तों यह हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी का है। डायनेमिक्स ऑफ एन ओपन सोसाइटी, अटल बिहारी वाजपेयी। दोस्तों ये बड़ी महत्वपूर्ण पुस्तक है, एग्जाम में पूछे गए हैं तो इनको याद कर लेना है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखिए कुछ पुस्तक यहाँ पर दिए गए हैं, एक नज़र डाल देते हैं। माई प्रेसिडेंशियल ईयर्स जो ऊपर दिए गए हैं, आर वेंकट रमन, माई कंट्री माई लाइफ, लाल कृष्ण अडवाणी, द इनसाइडर पीवी नरसिंह राव, डायनेमिक्स ऑफ एन ओपन सोसाइटी, अटल बिहारी वाजपेयी, एवॉर्ड ऑफ लव, देखिएगा एवॉर्ड ऑफ लव, अगर ये है इंग्लिश में AVID, एवॉर्ड ऑफ लव और सोशल हार्मोनी, नरेंद्र मोदी जी का है कुछ बुक दोस्तों। क्या आप लोग जान रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी पुस्तक भी लिख चुके हैं, दो पुस्तक, याद रखिएगा एवॉर्ड ऑफ लव और सोशल हार्मोनी। तो ध्यान रखिएगा नरेंद्र मोदी जी, एवॉर्ड ऑफ लव, सोशल हार्मोनी। नहीं तो बहुत लोग नरेंद्र मोदी का नाम भी नहीं सोचेंगे कि ये पुस्तकों लिखे हैं बाबा, लेकिन लिखे हैं बाबा पुस्तक, ए वर्ल्ड ऑफ लव और सोशल हार्मोनी। हेड्स एंड टेल्स मेनका गांधी, स्ट्रेट फॉर्म द हार्ट कपिल देव, मदर टेरेसा नवीन चावला, डॉलर बहू सुधा मूर्ति, जानते हैं सुधा मूर्ति कौन है? सुधा मूर्ति ऋषि सुनक की सास है, जो पिछले ईयर जो है ब्रिटेन के जो पिछले कुछ वर्षों से प्रधानमंत्री थे उन्हीं की सास सुधा मूर्ति। और वहाँ अभी तो अभी का वहाँ प्रधानमंत्री तो इंग्लैंड का है, क्यू स्टारमर, याद रखिएगा। मोदी शेपिंग ए ग्लोबल ऑर्डर इन फ्लक्स, ये है जयशंकर जी का, विदेश मंत्री। अम्बेडकर ए लाइफ, शशि थरूर, द कॉन्स्पिरेसी, गोटाबाय राजपक्षे, जो वहाँ के श्रीलंका के है। विक्ट्री सिटी, सलमान रुश्दी। वक्स फोक्स लिखा, वक्स होना चाहिए यार, वक्स इन द रोड माई डे, पता नहीं लेकिन वर्क्स हम सुने थे, यहाँ फोर्स लिखा है, इन द रोड माई डे एट RBI एंड बियॉन्ड, सी रंगराजन, RBI के गवर्नर रह चुके हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखिए 14 नंबर हमारा प्रश्न है कि किस सिंधु सभ्यता स्थल के दो कमरे का बैरक मिला है? दोस्तों हड़प्पा से जो है दो कमरे का बैरक मिला है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको आप पढ़ लीजिएगा आप लोग, ऑप्शन का एनालिसिस दिया गया है। राखीगढ़ी हरियाणा में है। देखिए 15 नंबर प्रश्न हमारा क्या है, ध्यान से देखिए, पंद्रह नंबर प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो जानते हैं राज्य में होते हैं राज्यपाल,
संघ में होते हैं प्रधानमंत्री, ग्राम पंचायत में होते हैं सरपंच, और नगर निगम में होते हैं महापौर। तो ये हम लोग का सही उत्तर होगा, जो भी कूट सही होगा उसके अनुसार सही होगा। चलिए 16 नंबर प्रश्न देखिए कि भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है। दोस्तों बताइए, और जानते हैं आप लोग तो, भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है महान्यायवादी। जो महान्यायवादी होते हैं ये भारत सरकार के प्रथम जो है विधि अधिकारी होते हैं। इनका जो, आप लोग बताइए कि इनका जो वर्णन है वह किस आर्टिकल में है, हम 7 बता देते हैं। इसके बाद क्या है, किस आर्टिकल में इनका वर्णन है महान्यायवादी का। आइए आगे चलते हैं, देखिए हम ही बताते हैं, 76 में इनका वर्णन है। आइए, पोर्ट लुइस किस देश की राजधानी है दोस्तों। तो ये पोर्ट लुइस मॉरिशस की राजधानी है। हमारे तो रोका के एग्जाम में राज्य और राजधानी भी पूछे जा रहे हैं, तो हम लोग को एक अच्छा खासा इम्पोर्टेड सब राज्य राजधानी याद होना चाहिए। चलिए, इसका मुद्रा दोस्तों, मुद्रा है इसका मॉरिशस रुपया, रुपया ही है बस उस देश का नाम लग गया है। उसमें अधिकतर भारतीय है, मॉरिशस में अधिकतर भारतीय मूल के लोग जाके बसे हुए हैं। देखिए यहाँ पर कुछ देश राजधानी मुद्रा और उसके संसद का नाम दिया गया है, एक नज़र डाल लेते हैं। अल्जीरिया अल्जीरियस दिनार पार्लियामेंट, मोरक्को रबात दिरहम पार्लियामेंट, नाइजीरिया अबुजा नेरा नेशनल असेंबली, नाइजर नियामी फ्रैंक नेशनल असेंबली, नामीबिया विडहॉक रैंड नेशनल असेंबली, सोमालिया मोगादिशु सिलिंग संसदीय संघीय संसद, सूडान खारतुम पाउंड नेशनल असेंबली, मिस्र काहिरा पाउंड पार्लियामेंट, इथोपिया अदिस अबाबा विर फेडरल पार्लियामेंट असेंबली, कितना है ख़त्म हो गया, तंजानिया दोदोमा सिलिंग पार्लियामेंट, घाना अक्रा केडी पार्लियामेंट, दक्षिण अफ्रीका प्रिटोरिया रैंड पार्लियामेंट, जाम्बिया लुसाका क्वाचा नेशनल असेंबली, जिम्बाब्वे हरारे डॉलर पार्लियामेंट, और केन्या नैरोबी सिलिंग पार्लियामेंट, याद रखिएगा। देखिए हमारे पास 18 नंबर जो क्वेश्चन है, अगर आप 10th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री पढ़े होंगे तो 8.4 आपको अगर याद होगा, आप पढ़े होंगे अच्छा से, तो उसी का एक क्वेश्चन, उसी से मिलता जुलता क्वेश्चन दिया गया है। इसको तोड़ना है दोस्तों, तोड़ना है, तो 10 को जानते हैं साइन बटे कोस लिख सकते हैं। 10 को साइन बटे कोस, अल्फा की जगह अल्फा, बीटा की जगह बीटा, कोट को भी क्या लिख सकते हैं, उल्टा लिख सकते हैं, 10 का उल्टा कोट होता है, तो उसको कोस बटे साइन लिख सकते हैं। और उस तरह लिख के उसका क्या कीजिएगा, परिमेयकरण, हर्ष का परिमेयकरण किया है ना, गुना कीजिएगा ऊपर नीचे, नीचे आ गया है, उस तरह से कीजिएगा ना दोस्तों, तो 10 अल्फा इंटू 10 बीटा निकलेगा। देखिए वहीं काम किया गया है, परिमेयकरण नहीं दोस्तों, बस वहीं आप सिंपली इसको ऊपर नीचे करके आप जोड़ घटाव कीजिएगा, तो वहीं से इस तरह का इक्वेशन बन जाता है और बाद में इतना आता है। चलिए देखिए, 19 नंबर रीजनिंग का सवाल है, 2 जोड़ा जा रहा है, बी से ई गया, बी से डी गया, यानी कि इससे बी से डी 2 जोड़ा गया, डी से एफ 2 जोड़ा गया, ई से जी गया, यानी कि 5 से 7 गया, 2 से 4 गया, तो यहाँ 5 से 7 गया, 7 से 9 जा रहा है, 2 2 जोड़ा जा रहा है, 2 2 3 में जोड़िएगा बन जाएगा। यहाँ पर दोस्तों देख लीजिए दोस्तों, 5 5 जोड़ा जा रहा है, यहाँ 3 है, यहाँ 8 हो गया, 5 जोड़ दिया गया है, 5 3 8 होता है, यहाँ ओ है, 15 है, 5 20 T 20 कर दिया गया है, तो 5 5 जोड़ा गया है, 5 5 जोड़िएगा, जो आंसर निकल जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। रीजनिंग क्वेश्चन है दोस्तों, यार कहाँ भाग गया, देखिए 21 नंबर क्वेश्चन है कि 9:30 पर घंटे एवं मिनट की सुई के बीच का कोण क्या होगा। तो इसका फार्मूला होता है दोस्तों 60H-11m/2। अगर आप क्लॉक पढ़े होंगे तो ये फार्मूला आप पढ़े होंगे, 60H-11m/2। 60 के आवर कितना है, 9, तो 60 × 9 हो जाएगा, माइनस 11 30 कितना है, मिनट है, 11 × 30 हो जाएगा। सॉल्यूशन करने के बाद दोस्तों हमारा 105 डिग्री आंसर निकल जाएगा। देखिए औसत का क्वेश्चन है कि 22 नंबर, 45 बच्चों का औसत 14 है, एक शिक्षक को शामिल करने के बाद औसत 6 महीना बढ़ जाता है, तो शिक्षक का आयु क्या होगा। देखिए 45 बच्चे हैं और 14 वर्ष है, यानी हमको योग निकालना होगा, इनका योग क्या होगा, तो 45 बच्चों का योग है 630 दोस्तों,
एक आदमी शामिल हुआ तब आदमी हो गया 46 हो गया ना, क्योंकि शिक्षक भी एक शामिल हो गया, 46 हो गया। और उम्र कितना बढ़ जा रहा है, 6 महीने, मतलब आधा वर्ष, हाफ वर्ष कह सकते हैं ना। तो यहाँ पे 14 था ना, 14.5 हो जाएगा। तो देखिए 46 हो गया, अब इसका योग हो जाएगा 667। पहले योग था 630, तो 667 में से 36 घटा दीजिएगा, 37 आंसर निकल जाएगा दोस्तों। बहुत आसान क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए एक श्रृंखला दिया गया है, सीरीज दिया गया है। तो सीरीज तो जानते हैं सब, दिमाग वाला चीज़ है दोस्तों, दिमाग लगाइएगा तो बन जाएगा, अन्यथा नहीं बनेगा। तो इसमें देख लीजिए 2 से 3 कैसे बना, 2 गुने 1 प्लस 1 किया गया है, फिर 3 गुने 2, 3 गुने 2, 6 प्लस 2 किया गया है, फिर यहाँ एक अंक आगे बढ़ा करके गुना और उतने अंक को ऐड किया गया है। इस तरह से यह सीरीज चल रहा है। अंत में इस सीरीज का क्या आया है, देखिए 112 गुने 5 गुने 5, 565 आंसर आया है। यहाँ देखिए 9 अनुपात नहीं कर सकते इसको, ऐसे दिया गया है, 9 से 80 बना है, तो 100 से क्या बनेगा। तो देखिए 9 ना 81 होता है ना, 9 का स्क्वायर -1 कह सकते हैं, 80 बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, 100 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 10,000, एक घटा दीजिए 9,999 नहीं बन जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। आइए आगे चलते हैं। कौन सा ग्रंथ तमिल व्याकरण है दोस्तों, तोलका पीयम याद रख लीजिएगा, तोलका पीयम तमिल व्याकरण है। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, तमिल व्याकरण कौन सा है, तोलका पीयम है। चलिए देखिए, वकाटक राजवंश के बाद किस राजवंश ने दक्षिण भारत में शासन किया। प्राचीन इतिहास का अंतिम से भाग पढ़े होंगे तो आप पढ़े होंगे कि वाकाटक राजवंश के बाद किस राजवंश ने दक्षिण भारत शासन किया, तो वो हो जाएंगे चालुक्य। चालुक्य कई तरह के चालुक्य थे, बादामी के चालुक्य, कौन कौन चालुक्य, ढेर सारे चालुक्य जानते हैं, ये चालुक्य हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अशोक के टोपरा अभिलेख किसने खोजा, अशोक का जो टोपरा अभिलेख था उसका सर्वप्रथम खोज किसने किया, तो उसका फिरोज शाह तुगलक ने किया। अशोक के टोपरा अभिलेख का सर्वप्रथम खोज फिरोज शाह तुगलक ने किया, और अशोक के टोपरा अभिलेख को फिरोज शाह तुगलक ने खोजा था और सोचा था सबसे पहले कि इसको तोड़ देंगे, लेकिन उसको तोड़ा नहीं, उसको दिल्ली लेके चल गया, यही सब यहाँ पे लिखा गया है। और सबसे पहले शिलालेख का खोज 1750 में टी फैंथलर ने किया था, याद रखिएगा, फैंथलर ने सबसे पहले जो है शिलालेख का खोज किया था 1750 में, लेकिन उसको कोई पढ़ नहीं पाया था दोस्तों। उसको जो है एकदम 87 साल बाद जेम्स प्रिंसेप नाम का आदमी उसको एक पहली बार उसको पढ़ने में उसको सफलता मिला दोस्तों, सोचिए इतना साल बाद। देखिए 28 नंबर प्रश्न है कि सर्वप्रथम कृषि का साक्ष्य किस स्थल से प्राप्त हुआ। दोस्तों मेहरगढ़ से सबसे पहले कृषि का साक्ष्य मिला है, जो कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में भी पड़ता है, लेकिन अभी कहा गया है कि मतलब नया नया, देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया है कि नवीनतम खोजों के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में स्थित लहुरा देव है। यह 9,000 ईस्वी पूर्व से 7,000 ईस्वी पूर्व के बीच चावल का साक्ष्य मिला है। नवीनतम खोज के अनुसार और प्राचीन खोज के अनुसार दोस्तों क्या है हमारा, देख सकते हैं हम लोग, मेहरगढ़। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक नज़र इस पर डाल लेते हैं, हड़प्पा रावी नदी किनारे, दयाराम साहनी। चलिए, और मोंटगोमरी पाकिस्तान में स्थित है। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी किनारे, रखालदास मुनारजी, लरकाना सिंध पाकिस्तान। चंद्रो सिंधु नदी किनारे, अनरेस्ट मैके सिंध प्रांत पाकिस्तान। कालीबंगा घग्घर नदी किनारे, बीबीलाल थापर बीके थापर राजस्थान में है। कालीबंगा राजस्थान, चूड़िया जानते हैं यहाँ से मिला है। धोलावीरा जेपी जोशी लुनी नदी किनारे है और गुजरात में है। धोलावीरा गुजरात, बनावली सरस्वती नदी किनारे है, आरके बिस्ट और हरियाणा में है। अगला प्रश्न हमारा, रिहला पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया दोस्तों, इबन बतूता, जानते हैं मोरक्को का यात्री था, इबन बतूता रेहला पुस्तक लिखा है। चलिए
नूरा फतेही भी दोस्तों वहीं की है, मोरक्को। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए, निम्नलिखित स्वतंत्रता संघर्ष के घटनाओं पर विचार कीजिए, क्या पहले हुआ था। तो देखिए क्या क्या पहले हुआ था, जानते होंगे आप लोग। जानते हैं अगस्त प्रस्ताव हुआ था 1940 में, शायद 8 अगस्त को हुआ था। अच्छा देख लेते हैं आगे। अगस्त प्रस्ताव के बाद हुआ है व्यक्तिगत सत्याग्रह, हाँ। उसके बाद आया कृष्ण मिशन, फिर भारत छोड़ो। इधर इसका क्रम इस भी दिया गया होगा, तो हमको इसको देख लेते हैं एक बार, हम लोग थोड़ा सा पढ़ भी लेते हैं इसको। अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940, व्यक्तिगत सत्याग्रह 17 अक्टूबर 1940, क्रिप्स मिशन 12 मार्च 1942, भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942। जानते हैं अगस्त प्रस्ताव में कुछ प्रस्ताव दिया गया था डोमिनियन स्टेट्स का। उसके बाद महात्मा जी गांधी जी व्यक्तिगत सत्याग्रह, मतलब गांधी जी इसके मुख्य नेता थे, लेकिन विनोबा भावे को कहा जाता है कि प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रह करने वाले विनोबा भावे थे। चलिए, तो ये सब इसके डिटेल यहाँ पर दिया गया है, पढ़ लीजिएगा पीडीएफ में। आगे बढ़ते हैं। आइए 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारतीय सेना द्वारा महिला सशक्तिकरण के लिए दो महिला स्पोर्ट कंपनी AGST की शुरुआत कहाँ की गई। तो दोस्तों देखिए, पहला महू में और पुणे में, एंड दूसरा पुणे में। तो भारतीय सेना महिला सशक्तिकरण के लिए दो महिला कंपनी की शुरुआत की है, एक महू में, एक पुणे में। महू और पुणे में, ये सब क्वेश्चन और भी किसी अन्य एग्जाम में आ सकते हैं, क्योंकि अभी हाल फिलहाल क्वेश्चन ये सब है। आइए 32 नंबर प्रश्न देखिए कि मिशन दिव्यास्त्र का संबंध किस मिसाइल रक्षा प्रणाली से है। तो मिशन दिव्यास्त्र जो है, इसका ये अग्नि 5 से इसका संबंध है। मिशन दिव्यास्त्र का संबंध अग्नि 5 से है। अग्नि 5 या अग्नि सीरीज को बनाने वाले कुछ राम इस तरह से उनका कुछ नाम था, हाल ही में उनका निधन हो गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, मुंडेश्वरी महोत्सव बिहार के किस जिला में मनाया जाता है। इससे पहले आप पढ़े हैं कभी? अगर पढ़े हैं तो बताइए कि हम पहले पढ़े हैं। मुंडेश्वरी महोत्सव बिहार के कैमूर जिले, जिसको भभुआ भी कहा जाता है, उसमें मनाया जाता है मुंडेश्वरी महोत्सव। हम तो पहली बार इसको पढ़े थे। चलिए कुछ महोत्सव जो देख लेते हैं। खोंगजोम दिवस मणिपुर, नागी पक्षी महोत्सव ये बिहार के जमुई में मनाया जाता है। जानते हैं बिहार के गोपालगंज में जो है ना, कल एक क्रोमियम नाम का मतलब रेडियो एक्टिव पदार्थ मिला है, जिसका कीमत बहुत करोड़ रुपये में था। तो नागी पक्षी जमुई बिहार में होता है ये महोत्सव। ताबी महोत्सव जम्मू कश्मीर में। पर्पल उत्सव अमृत उद्यान राष्ट्रपति भवन दिल्ली में। केला उत्सव बुरहानपुर मध्य प्रदेश में। गरगौर उत्सव राजस्थान में। चापचारकूट मिजोरम में। कठपुतली महोत्सव चंडीगढ़ में। काला घोड़ा मुंबई में। थाई पुसुम तमिलनाडु में। गंगा सागर मेला पश्चिम बंगाल में। तथा मथुआ मथुआ धर्म महामेला पश्चिम बंगाल में होता है। निम्नलिखित में दोस्तों तबीयत ठीक नहीं हुआ है, आराम आराम से बोलते हैं, सुनिएगा। निम्नलिखित में जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ कौन कौन है। तो कौन कौन है, तो जो मतलब कह सकते, जो अनिम्नीकरण होता है, जो जिसका निम्नीकरण जो पृथ्वी में मिट्टी में नहीं मिल पाता है, जिसका विघटन नहीं हो पाता है, वो है प्लास्टिक है, पॉलिथीन है, डीडीटी है। ऐसा पदार्थ है जो कभी भी मिट्टी में नहीं मिल पाते हैं। ओह क्या है, डीपीटी डीटीटी गलत पढ़ दिए, प्लास्टिक पॉलिथीन होगा। क्या दिए, केवल 2 और 4 अनिम्नीकरणीय, 2 दिया है। ओ देखिए, 2 पॉलिथीन डिटर्जेंट ब्लीचिंग पाउडर भी, और प्लास्टिक पॉलिथीन डीटी, ये सब जो है ना, पॉलिथीन डिटर्जेंट ब्लीचिंग पाउडर डिटर्जेंट साबुन सरफ सरफ ये सब घुलता नहीं है मिट्टी में, नहीं घुलता होगा, और ब्लीचिंग पाउडर उसके साथ साथ प्लास्टिक पॉलिथीन और डीटी, ये सब।
आगे बढ़ते हैं दोस्तों। डीडीटी एक तरह का कीटाणुनाशी है। देखिए हमारा 35 नंबर प्रश्न है, किसी लोकतंत्र प्रणाली में संसदीय कार्यपालिका से क्या अभिप्राय है? तो संसदीय कार्यपालिका से ये अभिप्राय है कि ऐसी कार्यपालिका जो संसद के बहुमत के समर्थन पर निर्भर हो, वही है संसदीय कार्यपालिका, जो बहुमत के समर्थन पर काम करें। यहाँ पर संसदीय व्यवस्था उसका विशेषता दिया गया है, पढ़ लीजिएगा पीडीएफ में। पीडीएफ का ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आपके सामने टेक्स्ट ब्लिंक करते रहेगा, पीडीएफ का ध्यान से देखिएगा तो आप पीडीएफ का पासवर्ड नोट कर पाइएगा। देखिए हमारे सामने कुछ सूची दिया गया है, कूट मिलान करने दिया है, प्रतिरोधी होना चाहिए, प्रतिरोधी लिखा गया है, प्रतिरोधी। तो प्रतिरोधी क्या काम करते हैं? तो कटा फटा और घाव साफ करने में। अगला है प्रतिजैविक, इनका क्या काम होता है? तो प्रतिजैविक जो है जीवाणु के विकास को रोकते हैं। रोगाणुनाशक, इनका क्या काम होता है? तो रोगाणुनाशक जैसे कि ब्लीचिंग पाउडर, तो नाला नल आदि का साफ करने में जो है इसका प्रयोग होता है। पीड़ाहारी, दर्द निवारक दवा के रूप में काम होता है दोस्तों, पीड़ाहारी बाम, सुने होंगे, बाम लगाते होंगे पीड़ा होने पर, वही होता है दर्द निवारक। दोस्तों सीधे आगे बढ़ते हैं। अरे यार क्यों बढ़ना हो रहा है? देखिए क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन का वर्तमान सदस्य कौन देश है? दक्षिण यानी कि शॉर्टकट में इसको सार्क कहते हैं दोस्तों, सार्क सुने हैं, इसका मुख्यालय काठमांडू में है। पूछ रहा है कि कौन सा इसका देश संगठन, मतलब इसका सदस्य है उसका, तो भारत सदस्य है, भूटान भी है, बांग्लादेश भी है, मालदीव भी है, भारत के आसपास के जितने देश हैं वो सब है, लेकिन म्यांमार उसमें शामिल नहीं है दोस्तों। ऑप्शन नंबर हमारा डी सही होगा, 1 2 3 4। देखिए याद रखिएगा, संगठन से पूछा जाता है, क्या कीजिएगा, याद रखना पड़ेगा। सार्क SSARC स्थापना 7-8 दिसंबर 1985 में हुआ था, मुख्यालय काठमांडू में है। आइए इसका फुल फॉर्म, द साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। निम्नलिखित में कौन सा अधात्विक खनिज है? तो माइका, माइका यानी कि अभ्रक, ये अधात्विक खनिज है, चमकता है रेत में, रेत में बालू, देखिए बालू चमकता है, वही उसमें अभ्रक पाया जाता है इसलिए चमकता है। आइए आगे बढ़ते हैं, माइका के बारे में दिया गया है। वाह रे वाह, इतना लिसिस, इसलिए मतलब वीडियो बहुत लंबा नहीं करना चाहते हैं, आप खुद से भी पढ़िएगा। भारत का सबसे लंबा केबल आधारित सेतु कौन है? केबल याद कीजिए दोस्तों, नया नया उद्घाटन हुआ है मोदी जी के हाथों से, हमारा गुजरात में हुआ, सुदर्शन सेतु हो जाएगा। भारत का सबसे लंबा केबल आधारित सेतु सुदर्शन सेतु है दोस्तों। चलिए सुदर्शन सेतु गुजरात पर, गुजरात में ही है ना, हम बोले हैं तो एक बार देख लेते हैं, हाँ, जो कि गुजरात के लिए पुल, पहला पुल है। चलिए हाँ ये याद रखना चाहिए, ज़रूरी है कि लंबाई कितना है। अटल सेतु के बारे में चर्चा किया गया है, इसका लंबाई एक बार देख लेते हैं। सुदर्शन सेतु तकनीकी रूप से एक समुद्री लिंक है जो गुजरात के लिए पहला पुल है, जिसकी कुल लंबाई 4772 मीटर है, जिसमें 900 मीटर केवल लंबा केबल आधारित पुल है। अटल सेतु भारत, अटल सेतु का भी इनॉग्रेशन हाल फिलहाल में हुआ दोस्तों। अटल सेतु भारत का सबसे लंबा पुल है और साथ ही सबसे लंबा समुद्री पुल है, लंबा पुल और सबसे लंबा समुद्री पुल अटल सेतु। इसका जो है लंबाई 21.8 किलोमीटर है,
जिसकी समुद्र के ऊपर सिर्फ 16.5 किलोमीटर है और ज़मीन पे 5.5 किलोमीटर है, याद रखिएगा दोस्तों। और सुदर्शन सेतु को भी याद रखिएगा, गुजरात का केबल ब्रिज है। चलिए आगे बढ़ते हैं, मैथ्स का क्वेश्चन है तो देख लीजिए क्वेश्चन। एक संख्या का 36% दूसरी संख्या का 48% के बराबर है। एक एक्स मान लीजिए, दूसरे को वाई मान लीजिए, बराबर कर दीजिए, समझे। दोनों का योग का अंतर 15%, अगर 105 है, समझिए मैथ है। जिसके पास दिमाग थोड़ा लगाएगा, पढ़ा होगा पहले से, वो बना पाएगा। क्या है, ध्यान पूर्वक अध्ययन कीजिए। उत्तरी ध्रुव बिंदु के चारों ओर क्रमबद्ध भूमिखंड है। उत्तरी ध्रुव बिंदु जल में अवस्थित है, बात तो सही है, क्योंकि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पर जानते हैं ये क्या है, बर्फ ही बर्फ है, ठीक है। अब बिंदु के चारों ओर क्रमबद्ध भूमिखंड, वहाँ कोई रहता है दोस्तों, जानते हैं आप लोग, कोई नहीं रहता है। भारत के द्वारा बहुत सारा गंगा और मैत्री से मिशन भेजा गया है अंटार्कटिका में, जानते होंगे, पढ़े होंगे तो जानते होंगे। इसके बाद क्या है, दक्षिण ध्रुव बिंदु स्थल कर्ण पर अवस्थित है और इसके चारों ओर जल का फैलाव है। 2 और 3 दोस्तों सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अमेरिका खोजकर्ता और नौसैनिक अधिकारी रॉबर्ट प्योरी ने 6 अप्रैल 1909 को उत्तरी ध्रुव खोज की थी। लेकिन अमेरिका खोजकर्ता तो हम लोग जानते हैं दोस्तों, इसको कोलंबस को, अमेरिका के लिए समुद्री मार्ग का खोज किया था कोलंबस, और इसका अमेरिका खोजकर्ता लिखा है रॉबर्ट प्योरी। आए तो विरोधाभास हो गया दोस्तों। रिंग ऑफ फायर से क्या अभिप्राय है, तो रिंग ऑफ फायर जो है यह प्रशांत महासागर के चारों ओर ज्वालामुखी का एक श्रृंखला है, उसी को दोस्तों रिंग ऑफ फायर कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए देखिए, सक्रिय ज्वालामुखी का नाम पढ़ लेते हैं, बराबर एग्जाम में आता है। लिपारी द्वीप समूह इटली में है, और यह जो है मतलब लिपारी द्वीप समूह नाम है सक्रिय ज्वालामुखी। ओ देखिए, सक्रिय ज्वालामुखी है और कुछ यहाँ पर निष्क्रिय ज्वालामुखी है, कुछ जगा हुआ है कुछ सोया हुआ है। तो लिपारी द्वीप समूह इटली में है, ये जगा हुआ है। स्ट्रामबोली भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है इसको, स्ट्रामबोली को। माउंट एटना इटली में है, कोटोपेक्सी इक्वाडोर में है, बैरन द्वीप अंडमान निकोबार में, भारत का एकमात्र जो है सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप अंडमान निकोबार, याद रखिएगा। माउंट एरेबुस अंटार्कटिका में है, स्वर्ण उद्गार कहा जाता है। मोनालोआ हवाई द्वीप में है, किलाउआ और मोनोलोआ दोनों हवाई द्वीप पे है दोस्तों, अमेरिका में है। मेयान फिलीपींस में है। सोया हुआ दोस्तों देख लेते हैं, कौन कौन सोया है। फ्यूजी यामा जापान में है, सोया हुआ है। विसुवियस इटली में है, सोया हुआ है। नारकोंडम अंडमान निकोबार में सोया हुआ है। शांत यामरी जो मर गया है दोस्तों मतलब जो नहीं निकलता होगा उससे लावा। किलिमंजारो तंजानिया में है, पोपा म्यांमार में है, देवबंद ईरान में है, एकांकगुआ अर्जेंटीना, चिम्बो राजा इक्वाडोर इसी में है। कहाँ हो गया, सबसे पुराना परमाणु विद्युत गृह कौन सा है, तो तारापुर है दोस्तों, तारापुर महाराष्ट्र में है। चलिए कुछ यहाँ पर नाम दिया है जो पढ़ेंगे, नहीं दिया है, ये कैगा कर्नाटक में है, नरोरा उत्तर प्रदेश में है, ककरापरा गुजरात में है, इस तरह से आप लोग पढ़ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सब है, एग्जाम में आता है। सिंधु घाटी सभ्यता में से निम्न संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जल निकासी की व्यवस्था थी लेकिन वह अनियोजित थी। दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता में जल निकासी की व्यवस्था एकदम बढ़िया था, अनियोजित नहीं था, एकदम नाली एकदम जो है सीधी जाके एक जगह निकलता था, एकदम सुपर व्यवस्था था। क्या था, गलत चुन दिया क्या, सिंधु घाटी संबंधी कथनों पर विचार कीजिए। विचार कर लेते हैं,
सड़क बनाने की ग्रीड पद्धति अपनाई नहीं जाती थी। सभ्यता में नगरीय जीवन प्रारंभ हुआ था। नगर दो भागों में विभाजित थे, पहली गढ़ ऊंचाई पर, दूसरी निचली शहर पर। उपयुक्त में से सही कथन चुने। दोस्तों हम लोग सुने हैं कि वहाँ नाली ड्रेनेज सिस्टम बढ़िया था लेकिन अनियोजित था। चलिए हो सकता है, देखिए क्वेश्चन मैंने में गलत तो सर का नहीं दिया होगा, इतना हमें विश्वास करके पढ़ना होगा। तो यहाँ पर केवल 3 और 4 सही बताया गया है कि सभ्यता में नगरीय जीवन प्रारंभ हुआ था, ठीक है, मतलब शहर जैसा था, और नगर दो भाग में था, एक ये पहलीगढ़ था, एक ऊंचाई पे था, एक नीचे पे था। अगर आप वो मोहन जोदाड़ो ऋतिक रोशन का फिल्म देखे होंगे तो देखे होंगे, एक ऊंचा पे था, एक नीचे पे था। चलिए आगे बढ़ते हैं, आइए कि यहाँ पे क्वेश्चन है, देखिए देखते हैं इसको। सूची 1 को सूची 2 से मिलान कर सही कूट का चयन कीजिए। हाइपोथैलेमस क्या काम करता है? ओह बी नंबर पढ़ दिए हम, ए नंबर पढ़ना चाहिए ना। सेरिबेलम क्या काम करता है? तो देखिए सेरिबेलम यह काम करता है चलने खड़े होने के लिए संतुलन और अन्य कार्य का नियंत्रण करता है सेरिबेलम। हाइपोथैलेमस क्या काम करता है? तो यह शरीर का तापमान, भावनाओं का ख्याल, भूख, नींद इत्यादि का नियंत्रण करता है। दोस्तों यह हाइपोथैलेमस ये काम करता है। 3 नंबर सेरिब्रम क्या काम करता है? सेरिब्रम मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। दोस्तों बुद्धि, चेतना, स्पर्श, दृष्टि एवं स्मृति यानी मेमोरी का नियंत्रण, ये सब काम करता है सेरिब्रम। मेडुला ऑब्लॉन्गाटा क्या करता है? यह मेडुला ऑब्लॉन्गाटा उल्टी का नियंत्रण केंद्र है, मेडुला ऑब्लॉन्गाटा। फिर से एक बार, सेरिबेलम क्या दोस्तों? तो चलने खड़े होने के लिए संतुलन और अन्य कार्य का नियंत्रण कौन करता है? सेरिब्रम। हाइपोथैलेमस क्या करता है? हाइपोथैलेमस शरीर का तापमान, भावनाओं जैसे कि प्यार, मोहब्बत, नफरत, भूख, नींद का नियंत्रण करता है कौन दोस्तों? यह हाइपोथैलेमस। सेरिब्रम क्या काम करता है? तो बुद्धि, चेतना, स्पर्श, दृष्टि का एवं स्मृति का नियंत्रण करता है, मेडुला ऑब्लॉन्गाटा उल्टी का नियंत्रण करता है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखिए यहाँ पे रिएक्शन दिया गया है जिसमें रिएक्शन देखिए पूछा गया जा रहा है। 3Fe+4H2O रिएक्शन हुआ है, Fe3O+4H2O बना है। पूछ रहा है कि Fe का ऑक्सीकरण हो रहा है, फिर पूछ रहा है H2O का अपचयन हो रहा है, फिर पूछ रहा है कि H2O का ऑक्सीकरण H2O ऑक्सीकारक एजेंट की तरह व्यवहार कर रहा है और H2O उपचायक की तरह व्यवहार कर रहा है। दोस्तों ध्यान से देखिए इस रिएक्शन को, अगर आप 9th क्लास में रिएक्शन पढ़े होंगे या अगर 12th में केमिस्ट्री पढ़े होंगे तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। चलिए इसी तरह बोलते नहीं या सर, चलिए देखते हैं। 3Fe देखिए, सी नंबर Fe पहला, Fe का ऑक्सीकरण हो रहा है, जी हाँ देखिए Fe के साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है, देख लीजिए पहला सही। H2O का अपचयन हो रहा है, H2O से हाइड्रोजन तो निकल ही रहा है दोस्तों, अपचयन हो रहा है, ठीक है, 2 नंबर भी सही है। यहाँ पे H2O ऑक्सीकारक एजेंट का काम कर रहा है, वो ऑक्सीजन को दे रहा है तो काम तो कर ही रहा है। तो ऑप्शन 1, 2, 3 हमारा दोनों सही होगा दोस्तों, 1, 2, 3 तीनों मतलब सही है सर। चलिए आगे बढ़ते हैं, ऑक्सीकरण, अवकारक, रिडॉक्स रिएक्शन, ये सब 9th क्लास का चीज़ था, 11th में भी था। पुरातत्व विद्युत द्वारा नया किलेबंद हड़प्पा सभ्यता की खोज कहाँ की गई? किलेबंद हड़प्पा सभ्यता की खोज कहाँ की गई? तो मोरो धारो यहाँ पर की गई। दोस्तों थोड़ा फास्ट चलेंगे नहीं तो वीडियो ये भी लंबा हो सकता है, इसको स्किप करते हैं सीधे। चंबल नदी द्वारा जो बीहड़ घाटी बनाई गई है उस बीहड़ घाटी को क्या कहा जाता है? उसको तंग घाटी कहा जाता है, तंग घाटी याद रखिएगा।
चंबल का बीहड़, वहाँ से निकला मनोज कुमार, जो गया पढ़ने दिल्ली, श्रद्धा के साथ प्यार हुआ और निकाल लिया यूपीएससी का एग्जाम। देखे होंगे 12th फेल। लेटेराइट मिट्टी अत्यधिक वर्षा के बाद निर्मित होती है, जिसका कारण है निक्षालन। लेटराइट मिट्टी अत्यधिक वर्षा के बाद बनती है, जिसका कारण है निक्षालन। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला 50 नंबर पर आ चुके हैं, चिंता मत कीजिए, जल्दी जल्दी आप खींचेंगे। कपास की खेती के लिए प्रयुक्त मिट्टी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए जरा सा। देखिए, दिया है कि यह काफ़ी समय तक नमी बनाए रखती है, यह मिट्टी जल योजित रहती है तो पीली हो जाती है, यह कंकड़ का चूना पत्थर से भरपूर होती है। दो मिनट नहीं दोस्तों, सिर्फ एक ही समय सही है। काली मिट्टी जो है अधिक देर तक नमी बनाए रखती है, अवसर नंबर ये हो जाएगा, जहाँ पर कपास की खेती मस्त रूप से होता है। दोस्तों 51 नंबर क्वेश्चन है आपका, क्या बोलते हैं, ब्लड रिलेशन रीजनिंग। बीसी का बेटा सीबी की माँ नहीं है, एसी की पत्नी नहीं है, सीई का भाई नहीं है, डीई का बेटा नहीं है, बीएफ का भाई नहीं है, डीई का क्या संबंध है। आप पढ़े हैं तभी आप इसको बना पाइएगा, खुद से ही बना लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, लेकिन थोड़ा उजराया है, लंबा छोड़ा दिया है, कोई बात नहीं, फिर भी बन जाएगा। निम्नलिखित में से बागानी फसल के अंतर्गत कौन कौन से फसल सम्मिलित है। दोस्तों बागानी फसल में चाय भी बागानी है, कॉफ़ी भी बागानी है, दाल तो दोस्तों खेत में होता है, रहर का दाल जानवे करते हैं, रहर का खेत होता है लंबा लंबा एकदम। सही है, सभी सही नहीं है, सभी सही नहीं है, एक दो और चार सही हैं। रबड़ का तो दोस्तों होता होगा बगान, हम लोग देखे नहीं कहाँ, हमको बिहार में कहाँ होता है, बिहार में तो उसे बिहार में चाय वो कॉफी नहीं होता है, लेकिन सुनने हैं होता है। चलिए, जलोढ़ मिट्टी से संबंधित निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। भारत के कुल भूभाग का लगभग 40% हिस्से पर जलोढ़ मिट्टी का विस्तार है। जलोढ़ मिट्टी का निर्माण नदियों द्वारा बहाकर लाए गए निक्षेपों के द्वारा होता है। दोस्तों दोनों सही है, कुल भूभाग का 40% पर जलोढ़ मृदा है भारत के, और जानते हैं जलोढ़ मृदा बाढ़ आता है, नदी अपने साथ मिट्टी बहाकर लाती है, वही होता है जलोढ़ मृदा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे ख़त्म हो गया क्या। चलिए, तो इस तरह से आप पासवर्ड का जो है अच्छा से ख्याल रख रहे होंगे। आइए अगले पेज को जोड़ते हैं। ओहो, गलत जोड़ दिया दोस्तों, और उसको हटाना होगा, तब जुड़ जाएगा। ये वाला पीडीएफ, हाँ। आइए अगला क्वेश्चन देखिए, घड़ी में 9 बज रहा है और मिनट की सुई अगर दक्षिण पूर्व दिशा बता रही है तो घंटे की सुई क्या बतलाएगी। देखिए क्वेश्चन तो आसान है वैसे, घड़ी में 9 बज रहा है, 9 इधर बजता है, और मिनट की सुई अगर दक्षिण पूर्व दर्शा रही है तो मिनट की सुई दक्षिण पूर्व दर्शा रही है ना, तो दक्षिण और पूर्व दर्शा रही है, यानी ये कैसा दिया है, उल्टा दिया है क्या इसमें, उत्तर दक्षिण तो अच्छा बनाया गया है, इसके अनुसार बनाया गया दोस्तों। दक्षिण मिनट की सुई अगर दक्षिण पूर्व दर्शा रही है, दक्षिण पूर्व तो इधर इसके अनुसार दर्शा रही है, तो घंटे की सुई कौन दिशा में दर्शाएगी। ओह एक मिनट, रीजनिंग है दोस्तों, देखिए घुमा फिरा के पूछा जा रहा है, इसमें से दिशा अपने आप मतलब कि काल्पनिक बनाया गया है। तो देख लीजिए कि अगर मैं घड़ी में 9 बज रहा है, मिनट की सुई अगर इधर दिखा रही है, घड़ी में 9 बजेगा दोस्तों तो कितना मिनट की सुई कहाँ पे रहेगी, जानते हैं 12 पर रहेगी, और जो है 9 पे रहेगा आपका वो सुई, घंटा की सुई, समझे।
तो यहाँ पे देखिए 12 किधर होता है, 12 इधर नहीं होता है, यहाँ पूर्व होता है, यहाँ पे उत्तर, समझे? उत्तर तो ऊपर होता है, मतलब कि यहाँ पे उत्तर होता है ना, उत्तर यहाँ पे होता है और पूर्व यहाँ पे होता है, जानते हैं ना? तो इसी के बीच में रहेगा, 12 यहीं पर जाएगा, मिनट का सुई इधर ही रहेगा, इसी दिशा में रहेगा ना, तो यहाँ पे उत्तर पूर्व हो जाएगा दोस्तों। चलिए, निम्नलिखित मानव शरीर में वायु के अभिगमन का कौन सा क्रम जो है सही है? देखिए, नाक की नली में हवा घुसता है, फिर ग्रसनी में जाता है, स्वर यंत्र में जाता है, ट्रेकिया में जाता है, श्वास नलिका में जाता है, फिर फेफड़ा में जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। दोस्तों आ गए 56 नंबर पर दोस्तों। क्षुत्तृष्णा के लिए अमाशय में जो रस स्रावित होता है उसकी प्रकृति कैसी होती है? तो उसकी प्रकृति अम्लीय होती है दोस्तों। अमाशय में रस प्रवाहित होता है, अम्लीय HCl होता है दोस्तों, तगड़ा वाला एकदम। आगे बढ़ते हैं, जठर रस HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कितना? धन निष्कासन का सिद्धांत किसने दिया था दोस्तों? दादा भाई नौरोजी ने जो है ड्रेन ऑफ वेल्थ का सिद्धांत दिया था, धन निष्कासन का सिद्धांत, कि अंग्रेज भारतीयों के भलाई के लिए कोई काम नहीं कर रहे हैं, ये भारत से धन निकाल करके सिर्फ ले जा रहे हैं, ऐसा दादा भाई नौरोजी ने सिद्धांत दिया था। और उसको कांग्रेस वाले माने भी थे, शुरू में नहीं माने लेकिन बाद में मान लिए थे। चलिए, सर सैयद अहमद खां दादा भाई नौरोजी के धन निष्कासन से सहमत नहीं थे? नहीं, ये तो बहुत कुछ लोग नए थे, लेकिन दादा भाई नौरोजी एकदम अर्थशास्त्री थे, ध्यान दोस्त। बाघ की प्रजाति के संरक्षण के लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए? आम जनता को जंगल में प्रवेश की अनुमति नहीं देना चाहिए दोस्तों। आम जनता बाघ को मारता है, आम जनता नहीं मरेगा, शिकारी जो होगा वही मार सकता है। वन्य जीव अभयारण्य को राष्ट्रीय उद्यान में परिवर्तित कर देना चाहिए, आरक्षित वन और संरक्षित वन को अलग अलग कर देना चाहिए, नए वन्य जीव अभयारण्य की स्थापना करना चाहिए। चारों दोस्तों सही है, एक दूसरे के सब चारों सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए 59 क्वेश्चन है, 59 नंबर, पर्वत केटू, पर्वत चोटी केटू की ऊंचाई कितनी है, कितनी मीटर है? तो 8611 मीटर है दोस्तों इसकी जो है ऊंचाई। माउंट एवरेस्ट का 8848.86 मीटर। उसके अलावा कंचनजंगा का 8598 मीटर, मकालू का इतना, देख लीजिए, पढ़ लीजिए आप लोग, सबका जरूरी नहीं है, सब एग्जाम में पूछता नहीं है। हिमालय की सर्वोच्च चोटी माउंट एवरेस्ट 8848.86 मीटर स्थित है नेपाल के तिब्बत में। भारत का केटू है 8611 मीटर, पीओके में स्थित है दोस्तों केटू। भारत स्थित हिमालय कंचनजंगा यह 8598 मीटर है, सिक्किम नेपाल के सीमा पर है। अफ्रीका का सबसे सबसे उच्च चोटी किलीमंजारो, याद रखिएगा, अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलीमंजारो 5895 तंजानिया में है। यूरोप का माउंट एल्ब्रुस रूस में है, यूरोप का, यूरोप दोनों में आता है, एशिया यूरोप में दोनों में आता है। यूरोप का सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रुस रूस, अफ्रीका का माउंट किलीमंजारो तंजानिया, उत्तरी अमेरिका का माउंट मैकिनले, उत्तरी अमेरिका का सबसे सर्वोच्च चोटी माउंट मैकिनले अलास्का में है, अलास्का प्रांत में, अलास्का सबसे बड़ा प्रांत है अमेरिका का। उत्तरी अमेरिका माउंट मैकिनले, दक्षिणी अमेरिका ओजस डेले सेडेलो, ओजस डेले सेडेलो अर्जेंटीना चिली में है। ऑस्ट्रेलिया माउंट कोसी, इसको ऑस्ट्रेलिया का है, दक्षिण अमेरिका का ओजस डेले सेडेलो अर्जेंटीना चिली में है। ऑस्ट्रेलिया का माउंट कोइस्को, कोसी को माउंट कोशिस्को ऑस्ट्रेलिया का, और यह ऑस्ट्रेलिया में है। अंटार्कटिक, अंटार्कटिका का विंस मैसिव, विंसन मैसिव,
याद रखिएगा, अंतर कट क्या का मिनस मैसेज। आय का अनुपात इतना, वृद्धि इतना हो रहा है, इतना हो जाता है दोस्तों। परसेंटेज वाला भी मामला है इसमें, रेशियो वाला मामला है, मैथ है, पढ़े होंगे, बना लीजिएगा। यहाँ दिया है त्रिज्यखंड का कोण 120 डिग्री, 17 कोणों को शंकु बनाया गया है, शंकु का आयतन क्या होगा, ये जो है आयतन और क्षेत्रफल वाला भाग से एक प्रश्न दिया गया है, इसको क्या बोलते हैं, क्षेत्रमिति बोलते हैं ना। देखिए त्रिज्यखंड का आयतन, ये सब पढ़े होंगे, सूत्र याद होगा, फार्मूला सब जानते होंगे, तो बना लीजिएगा। सेंट्रल हिंदू कॉलेज 1898 ईस्वी में बनारस में किसके द्वारा स्थापित किया गया था, तो यह दोस्तों एनी बेसेंट के द्वारा सेंट्रल हिंदू कॉलेज 1898 बनारस में शुरू किया गया था। वैसे BHU का चर्चा होता है तो मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा 1916 में इस कॉलेज का स्थापना किया गया था, 1916 यहाँ पर दिया गया है, उनसे कहीं कहीं 1915 दिया रहता है। और जो है एनी बेसेंट भी इनका मदद की थी दोस्तों, और एनी बेसेंट ने क्या किया था, सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना 1898 में की थी, उसी को बाद में ना क्या किया गया, इनके द्वारा BHU में बदल दिया गया। आगे बढ़ते दोस्तों, इसका शिलान्यास लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने किया था, जो उस समय का गवर्नर जनरल था भारत का। इस विश्वविद्यालय को सर्वप्रथम केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा मिला था, समझ ले, BHU सबसे पहला केंद्रीय विश्वविद्यालय है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में BHU प्रथम स्थान। विषम का चयन कीजिए, रीजनिंग है दोस्तों, कोयला, मसाला, मसाल, लकड़ी, रसोई, दोस्तों ये सबसे तो खाना बनाते हैं, इसे तो जलाते हैं, सिर्फ मसाल जलाओ, सैनिकों देखें पुराने सब पहले मसाल जला के आदमी आता था लकड़ी में ले लेके। पहली बार देसी प्रेस अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ, दोस्तों 1878 में पहली बार देसी प्रेस अधिनियम पारित हुआ। आइए जल्दी जल्दी ख़त्म करते हैं इसको दोस्तों। साधारण ब्याज, ब्याज सिंपल ब्याज, साधारण ब्याज, सब कॉम्प्लेक्स ब्याज यानी कि कंपाउंड ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट, सब सॉल्यूशन का चीज़ है। देखिए ये सभी, इसको ये, इसको ये, इसको ये चेंज करके सॉल्व कीजिए, आंसर आएगा। बिलियन में H प्लस आयन की सांद्रता बढ़ने पर बिलियन के pH मान पर क्या प्रभाव पड़ेगा, H प्लस आयन अगर त्याग करता है तो कोई प्रबल अम्ल होता है, अगर त्याग नहीं करता है तो वह दुर्बल अम्ल होता है। कहा गया है कि बिलियन में H प्लस आयन की सांद्रता बढ़ जाएगा तो बिलियन के pH मान जो है वह कम हो जाता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्योंकि H प्लस त्यागता है तो अम्ल जो है मतलब कि तगड़ा होता है, और बहुत ढेर सा संतरा अधिक रहेगा तो उसका प्रभाव कम हो जाएगा। देखिए यहाँ पर कुछ चार्ट दिया गया है, नींबू का रस का pH मान 2.2, शुद्ध जल का 7, रक्त का 7.4, जठर रस का 1.2, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का 10, सोडियम हाइड्रोक्साइड का 14। pH स्केल 1 से 14 होता है, पढ़े होंगे, परास होता है इसका 1 से 14, सॉरी 0 से 14, 0 से 14, और खुद सोरेनसर ने किया था, सबको डिटेल से दिया गया वहाँ पे। ओह क्वेश्चन नीचे छूट गया, देखिए हिंदी को राजभाषा बनाने के लिए जो संविधान सभा में लंबा बयान विवाद हुआ, इसके बाद हिंदी को राजभाषा स्वीकारा गया, इससे संबंधित निम्नलिखित कथन या कथनों में कौन सा सत्य है। देखिए आंसर सीधे देख लेते हैं, ए नंबर, इसका केवल एक नंबर सही है, सिर्फ एक नंबर पढ़ते हैं, मुंशी आयंगर फार्मूला ने हिंदी भाषा को राजभाषा और लिपि देवनागरी की सिफारिश की, ये सही है सिर्फ। आगे बढ़ते हैं, आर्टिकल 343 में जान लीजिए संघ की राजभाषा हिंदी है, ऐसा दिया गया है, आर्टिकल 343 में ऐसा दिया गया है, ये क्वेश्चन जान लीजिएगा। ओ माय गॉड, उसी के बारे में चर्चा दिया गया है। लोकतंत्र में सच्चा सत्ता की साझेदारी क्यों आवश्यक है, इससे समाज में सभी वर्गों
से लोगों का हिस्सा सरकार में होती है एवं लोकतंत्र मजबूत होता है। कथन दो, इस समाज में शांति और भाईचारा बनाए रखने के लिए एवं इसे सामाजिक संघर्ष नहीं होता है, इसी तरह सत्ता की सिद्धारी आवश्यक है। ऑप्शन नंबर सी दोनों सही है दोस्तों, कि लोगों को बराबर हिस्सा बना रहे, ठीक है, समाज में सभी वर्गों के लोगों का हिस्सा बराबर रहे, सरकार मतलब कि सरकार में हिस्सा बराबर रहे, लोकतंत्र मजबूत होता है और समाज में शांति और भाईचारा बना रहता है, इसलिए सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र में जरूरी है। सत्ता उसमें दखल अंदाजी देगा। न्यूक्लियॉन की बंधन ऊर्जा से संबंधित सत्य कथन चयन कीजिए। एक कथन उधर दिया था दोस्तों, वही सही है। क्या सही है देखिए, न्यूक्लियॉन की बंधन ऊर्जा से संबंधित सत्य, न्यूक्लियॉन जिसकी बंधन ऊर्जा जितनी अधिक होगी वह उतना ही स्थिर न्यूक्लियॉन होगा, जिसकी बंधन ऊर्जा जितनी अधिक होगी उतना स्थिर न्यूक्लियॉन होगा। चलिए ए नंबर ही सही है। आगे चलते हैं 71 नंबर प्रश्न में। देखिए यहाँ पर ही उधर क्यों गए दोस्तों, ये रीजनिंग है प्लस को, मतलब कि समझिए ए प्लस बी का अर्थ है ए बी का भाई है, इस तरह से प्लस माइनस करके अपना जुगाड़ बैठाइएगा बन जाएगा। ये तो बच्चा बच्चा जानता है, रॉलेट एक्ट 1919 में पारित हुआ था, इसी खिलाफ विरोध किया गया था। रॉलेट एक्ट था, नौ कानून, मतलब कि नौ अपील, नौ दलील, ये सब कानून था और इसी के विरोध में लोग विरोध में आए थे तो जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया, जानते हैं आप लोग। यानी क्रांतिकारियों को ख़त्म करने के लिए कानून लाया गया था, न अपील न दलील न वकील, काला कानून कहा गया इसको। काला कानून कहा जाता है, लाल को पीला कहा जाता है भैया। ये पढ़ते हैं, इसको बना के छोड़ेंगे, आंसर नहीं देखिए अभी भी। देखिए काला को लाल कहा जाता है, देखिए काला को लाल कह दिया गया, लाल को पीला कहा जाता है, पीला को सफ़ेद कहा जाता है, पीला को सफ़ेद कहा जाता है तथा नीला को, सफ़ेद को नीला कहा जाता है, सफ़ेद को पीला को सफ़ेद और सफ़ेद को नीला कहा गया। तो पूछ रहा है दूध का रंग कैसा होता है, सफ़ेद, सफ़ेद को क्या कहा, नीला, तो हो जाएगा हमारे से नीला। खत खत हमारे समाज में पुरुष और महिला के लिंग विभाजन जो किया गया है उससे क्या ख्याल आता है, समाज में पुरुष और महिला के कार्य उसकी भूमिका के आधार पर बांटा गया है, यही कार्य भूमिका के आधार पर बांटा गया है इसलिए लिंग विभाजन किया गया है। विचार पूछा गया दोस्तों, जिसका विचार सही होगा वही सही लगा पाएगा। देखते हैं ये क्वेश्चन विचार के अनुसार पे पूछा गया, आप कैसा सोचते हैं, आप दरोगा बनने वाले हैं दोस्तों, आप कैसा सोचते हैं, दाएं बाएं मुड़ता है दोस्तों, रीजनिंग क्वेश्चन बना लीजिएगा। क्या दिया है, भारतीय मानसून को प्रभावित करने वाले कारक कौन सा है, अवस्थिति, भूतापीय और जलीय तापन की दर में अंतर, हवाओं का मौसमी बदलाव, अंतरा उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र। तो ये दोस्तों चारों सही है, तो हमारा आंसर चारों हो जाएगा, ये सारा जो है मानसून को प्रभावित करता है। सतहत्तर और मैथ है, पिता का पुत्र का उम्र देख लीजिएगा। आगे हम देखते हैं, वर्ष भारत को स्वतंत्रता 15 अगस्त 1947 को मिली और कथन है 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। देखिए ये सी नंबर सही है, कथन सही है, कारण भी सही है और कथन कारण का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ये ऊपर रहता कि 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है क्योंकि भारत को स्वतंत्रता 15 अगस्त 1947 को मिली थी, तब जो है ना कथन कारण का मतलब कथन सही कारण होता, समझे, लेकिन यहाँ उल्टे दिया गया, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही है। स्पष्टीकरण ये दूसरा लाइन उसका स्पष्टीकरण नहीं कर रहा है, उसमें तो पहले ही बता दिया स्वतंत्र हुआ था। सेवेंटी नाइन नंबर क्वेश्चन दोस्तों, किसी वसीय खाद्य को खुला छोड़ देने पर ऑक्सीजन के कारण जो गंध और रंग परिवर्तित होती है इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं दोस्तों, इसको विकृत गंधिता कहते हैं, 10th क्लास में पढ़े होंगे। जब इसे सोचिए
और तेलीय पदार्थ को हवा में खुला छोड़ दीजिएगा, एक दिन के बाद देखिएगा महक जाएगा, वहीं होता है ए रसिडिटी विकृत गंधिता। चलिए इसीलिए चिप सब में हवा भर के देता है, यही सब कारण से ये वही आगे लिखा है। देखिए दोस्तों, 11th का फिजिक्स का दोलन पेंडुलम का क्वेश्चन दे दिया है, इसे जनरल वाला बच्चा थोड़ा ना इसको बना पाएगा, नहीं ये बनेगा। सरल लोलक के आवर्तकाल का व्यंजक क्या होता है बताइए, संकेतों के अर्थ समान है। आइए हम भी आंसर देखते हैं, यहाँ तक हम नहीं पढ़े दोस्तों, पहले डी नंबर हो जाएगा, 2π रूट एम बटे के हो जाएगा, याद रख लीजिएगा। ये सब रटिए सकते हैं, 11th में ढेर डिराइव कर पाते थे तो यहाँ अभी क्या कर पाएंगे। 2π रूट अंडर एम बटे के हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा, देख लीजिए डेरिवेशन ढेर पढ़े हैं तो ये सब समझिएगा। ओह माय गॉड, मेंस आसान नहीं है दोस्तों, मेंस बहुत गड़बड़ है, देख लीजिए क्या सब दिया गया है, एकदम लोलक का पूरा ग्राफ छाप दिया है। इसका एनालिसिस तो हमको लगता है सर हो नहीं पढ़ाएंगे पढ़ा दे तो बहुत बड़ा बात होगा, देखते हैं कौन सर इसका एनालिसिस पढ़ाते हैं। हमको नहीं लगता है कि रोशन सर और बिट्टू सर इसका एनालिसिस पढ़ाएंगे, नहीं पढ़ाएंगे, पढ़ाइए नहीं पाएंगे, हमको डाउट लग रहा है। वैज्ञानिकों द्वारा हाल ही में विकसित राजलक्ष्मी और पुंसा सुगंधा किस फसल की किस्म है दोस्तों? ये राजलक्ष्मी और पुंसा सुगंधा ये जो है चावल की किस्म है, याद रखिएगा, राजलक्ष्मी पुंसा सुगंधा चावल की किस्म है। बयालीसवां संविधान, संविधान के संशोधन की आवश्यकता समय समय पर क्यों होती है? समय के साथ बदलती परिस्थिति के कारण संविधान में बदलाव की जरूरत होती है, सही बात है, समय बदला, उस समय का दौर कुछ और था, अभी का दौर कुछ और है, तभी कानून बदलाव होना चाहिए दोस्तों। तो जैसे कि अब उस समय भी उतना रेप शायद पता नहीं होता था कि नहीं, लेकिन अभी जितना हो रहा है सीधे रेपिस्ट को फांसी दे दो, वैसा कानून बना देना चाहिए, लेकिन सरकार क्या कीजिएगा, गोल मटोल घुमाता है। आइए देखते हैं, प्रकाश से संबंधित विचार कीजिए, कौन सा सत्य है? चलिए, प्रकाश को गमन करने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, सही है दोस्तों, ये नंबर। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है दोस्तों, लेकिन वही जो हमारा हवा ये ध्वनि है ये जो है एक अनुदैर्ध्य है, और प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग होता है, याद रखिएगा। इथाइन का इलेक्ट्रॉनिक संरचना होता है, इथाइन, इथाइन, एथ, मेथ, प्रोब्यूट, यही होगा दोस्तों, ए नंबर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, संतृप्त कार्बन हाइड्रोकार्बन और संतृप्त हाइड्रोकार्बन, ये सब 10th में भी है और 12th में, 11th 12th में भी है। देखिए इसको इतना लिखा जाता है, इसको इतना लिखा जाता है, इसको क्या लिखा जाएगा, कई कोई होता है कि मिला जुला होता है, चुरा लिया जाता है, इसे हमें जी दिया है 3 नंबर पे, तो 3 नंबर पे 6 है, तो इसका भी जी का 6 हो जाएगा, समझे। ए का यहाँ पे देखिए, इसमें ए दिया है अंतिम में, 7 हो जाएगा, तो ए का 7 हो जाएगा, यहीं से चुरा चुरा के वाला, चोरी छुपके वाला काम किया गया है, देख लीजिए। गणित की कक्षा में बहुत सारे छात्र असफल हो रहे हैं, ठीक है, और कथन है गणित की कक्षा को बंद किया जाए, गणित की कक्षा को पुनर्निरीक्षण किया जाए, क्या होगा? तो बहुत सारे छात्र असफल हो रहे हैं तो उसका निरीक्षण कर दिया जाए, पुनः देखा जाए कि हाँ क्या गड़बड़ी है, बंद करना सही बात थोड़ा ना होगा बंद कर दोगे तो खेलें खत्म हो जाएगा, अगर बच्चा होमवर्क करके नहीं आया तो मास्टर कोचिंग बंद कर दे तो खाएगा कहाँ से दोस्तों। चलिए चलिए, सभी अस्पताल इमारत है कोई इमारत, सर क्या बोलते हैं इसको, सिलोलिज्म बोला जाता है इसको, तो कौन सा इसका सही है? इसको बहुत तरह से बनाते हैं, गोला, बहुत लोग गोला बना के, सभी अस्पताल इमारत है, जितना भी जो अस्पताल है वो इमारत है, कोई इमारत डाकघर नहीं है, इमारत डाकघर नहीं है, अब निष्कर्ष दिया कुछ इमारत डाकघर है, अस्पताल यहाँ पे 100 पे है और यहाँ पे इमारत 100 पे है, वहाँ 50 पे है, तो क्या पूछ रहे, कुछ इमारत कुछ दे दिया मतलब 50 कर दिया उसको दोस्तों,
कुछ इमारत अस्पताल है। हाँ ये सही है, कुछ और ये भी कुछ, ऑप्शन में बी हो जाएगा। इस तरह से बहुत से अलग अलग लॉजिक तरह से इसको लोग बनाते हैं, कोई 150 मान के बनाते हैं, कोई गोला गोला बना के बनाते हैं, तो अब इसका जो है बी नंबर सही हो जाएगा दोस्तों। निम्नलिखित पहाड़ी में से कौन पहाड़ी मेघालय पठार का भाग है? देखिए ये जो गारो खासी जयंतिया जो है ना, ये सब मेघालय पठार का भाग होता है, गारो खासी जयंतिया, गारो पहाड़ी दोस्तों। देखिए आप कुछ दिया गया है, अरुणाचल प्रदेश में डफला पहाड़ी, मिरी पहाड़ी, अबोर पहाड़ी, मिसमी पहाड़ी, नागालैंड में नागा पहाड़ी, मणिपुर में मणिपुरी पहाड़ी, मिजोरम में मिजो पहाड़ी है। यार क्या मतलब, उस समूह का चयन कीजिए जिसकी संख्याएं उसी तरह संबंधित है जैसे कि निम्नलिखित समूह में संख्याएं हैं। अब देखिए इसमें क्या संबंध है और इससे रिलेटेड क्या संबंध है, यहाँ पे तीन जोड़ा गया। हाँ 11 3 14, 14 3 17 तो आसान है। देखिए किसमें तीन जोड़ा गया है, 23 में 3 26, 26 से 29 डी हो जाएगा दोस्तों। है कथनों में सत्य कथन का चयन करें, भारत एक धर्म को मानता है? नहीं दोस्तों, ये धर्म निरपेक्ष एक दूसरे को नहीं मानता है। भारत द्वारा धार्मिक कार्यों के प्रबंधन पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है? नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं होता है दोस्तों। भारत एक धर्म संस्कृत? नहीं दोस्तों, सब धर्म का लोग खुलेआम बोलता है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, देखते हैं आप लोग क्या हो रहा है देश में, सब जानते ही हैं। भारत में सभी धर्म को समान संरक्षण प्राप्त है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर है दोस्तों। 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, समझे? 25 में प्रत्येक व्यक्ति को अपने धार्मिक विश्वास और सिद्धांतों का प्रसार करने का अधिकार है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 92 नंबर, देखिए बड़ा कर लेते थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं। निम्नलिखित कथनों में सत्य का चयन कीजिए, कौन सा सत्य है दोस्तों? फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात होती है दोस्तों, होती है। फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से मध्यमा उंगली से जो मघीय क्षेत्र दोस्तों, ये गलत है, 2 नंबर गलत है, बाकी सब सही है दोस्तों। सब नियम है फ्लेमिंग का, बाएं हाथ का नियम, दाएं हाथ का नियम, याद रखिएगा तो काम आएगा, बहुत काम आएगा, क्योंकि ये पीछे भी पूछा पूछा जा चुका है, फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम, दाएं हाथ का नियम दोस्तों हम लोग के लिए ज़रूरी है। चलिए आइए यहाँ पर दर्रा मिलाना है, दर्रा, आइए उस दर्रा को मिलाते हैं। देखिए जो जिला दर्रा जम्मू कश्मीर, जो जिला दर्रा जम्मू कश्मीर, नाथुला दर्रा सिक्किम, नाथुला दर्रा सिक्किम, जो जिला जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर, नाथुला दर्रा सिक्किम, बोमडिला अरुणाचल प्रदेश, बोमडिला अरुणाचल प्रदेश, और सिप किला यह है दोस्तों हिमाचल प्रदेश में, सिप किला हिमाचल प्रदेश में, बोमडिला अरुणाचल प्रदेश में, सिप किला हिमाचल प्रदेश में, बोमडिला अरुणाचल प्रदेश में, जो जिला जम्मू कश्मीर में, नाथुला सिक्किम में। दोस्तों ये सब बहुत बार याद करना पड़ेगा, एक बार में याद करते हैं भूल जाते हैं, क्या आप लोग भी भूल जाते हैं क्या? जो जिला जम्मू कश्मीर, नाथुला सिक्किम, बोमडिला अरुणाचल प्रदेश, सिप किला हिमाचल प्रदेश, बोमडिला अरुणाचल प्रदेश, सिप किला हिमाचल प्रदेश, सी और ही, सी और ही दोस्तों एक साथ है, सी ही, सिप किला हिमाचल प्रदेश। यहाँ दिया हिमालय का भाग, सब जो है इतना पढ़ेंगे छोड़िए, मन नहीं कर रहा अभी। ट्रांस हिमालय का भाग, अच्छा पढ़ते हैं, दारा के बारे में दिया गया है ना, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। काराकोरम जो है लद्दाख में है, भारत चीन। चांगला दर्रा भी लद्दाख में है, उतना नहीं पढ़ेंगे। खारदुग ला दर्रा लद्दाख में है, बुरजिल दर्रा जम्मू कश्मीर में है, वारा लाचला दर्रा हिमाचल प्रदेश में है, नीति दर्रा उत्तराखंड में है, माना दर्रा उत्तराखंड में है, मोलिंगला दर्रा उत्तराखंड में है, जेलेबला दर्रा सिक्किम में है, पीर पंजाल दर्रा जम्मू कश्मीर में है, बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर में है, रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में है, दीफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है, पांग शाऊ दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है, तुजू दर्रा मणिपुर में है, तुजू दर्रा मणिपुर, मणिपुर और म्यांमार को जोड़ता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, दर्रा समझिए एक लाइन होता है, रास्ता होता है,
पहाड़ों के बीच का एक रास्ता होता है दर्रा। किसी दूरस्थ बिंदु स्रोत से आती श्वेत प्रकाश की किरण स्रोत के बीच एक घूमती हुई चकती डिस्क रखी जाती है, तो चकती पर प्रकाश का विवर्तन होगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों। चलिए देखते हैं, डिस्क यानी कि केसर, केसर देखते हैं धूप में लेकर के, चमकता है, कई रंग का चमकता है, सातों रंग चमक जाएगा आपको उसमें, वही होता है प्रकाश का विवर्तन। चलिए यहाँ सब प्रकाश का जो है अपवर्तन परिवर्तन का नियम सब दे दिया गया है, साइन यू आई बाटे साइन आर। निम्नलिखित पर वनस्पतियों और वन्य जीवों को निम्नलिखित में से किस पे खतरा नहीं है? तो वन्य रोपने और सामाजिक कृषि से इन लोगों को, वनस्पति और वन्य जीवों को खतरा नहीं है। दोस्तों पेड़ लगाना चाहिए हम सबको, ये सब देखिए सब नियम सब दिया गया है। अंतिम अंतिम दौर चल रहा है दोस्तों, बहुत जल्द खत्म हो जाएगा। देखिए भारतीय स्वतंत्रता के संघर्ष से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इन्हें वर्ष के अनुसार सजाइए। सबसे पहले हुआ विश्व प्रथम विश्व युद्ध में युद्ध के समय भर्ती से आम जनता को कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था, सबसे पहले ये होगा। गांधी जी द्वारा देशव्यापी रॉयलेट एक्ट सत्याग्रह चलाया गया, उसके बाद 3 नंबर हो जाएगा। जारी उसके बाद बाल जालियांवाला बाग हत्याकांड हो गया, उसके बाद ऑटोमन साम्राज्य को समाप्त करने के पश्चात शुरू हुआ खिलाफत आंदोलन, ये सब दोस्तों हुआ था 1920 में हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं, पढ़िएगा इस सब चीज़ को। 97 नंबर क्वेश्चन है कि लोकतंत्र में समानता के अभिप्राय सभी नागरिकों के लिए समान अधिकार व अवसर सुनिश्चित करता है। समानता समाज में विभाजन और भेदभाव को कम करती है और सभी व्यक्तियों को एक समान मानवीय दृष्टिकोण से देखती है। सही बात है दोस्तों, ऑप्शन सी हो जाएगा, दोनों हो जाएगा। देखिए भाग जाता है, यही ना है। देखिए सूची एक को सूची दो से मिला रहा है, ब्लीचिंग पाउडर यानी कि सरफ कह सकते हैं, नहीं सर सर गलत हो गया है। ब्लीचिंग पाउडर जो होता है उसको डाला जाता है, जानते हैं नाली सबके किनारे रोगाणु नाशक मारने के लिए, रंग एवं दाग धब्बा हटाने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है ब्लीचिंग पाउडर का। बेकिंग सोडा एंटी एंटासिड है, पेट खराब होगा तो इसका प्रयोग करते हैं। वाशिंग सोडा दोस्तों इसका निर्माण कांच के निर्माण में होता है, और सोडियम क्लोराइड H2 और Cl2 के उत्पादन में इसका प्रयोग होता है, सोडियम क्लोराइड का NaCl का। चलिए NaCl मतलब खाने वाला नमक दोस्तों, उसी को बोलते हैं सोडियम क्लोराइड। डिटेल यहाँ पर दिया गया है, इसको छोड़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन हमारा देख लीजिए, राष्ट्रपति के राष्ट्रीय आपातकाल शक्ति पर विचार कीजिए। प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के लिखित सिफारिश पर कभी भी आपातकाल लागू कर सकते हैं। हाँ प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद का लिखित सिफारिश होना चाहिए। लोकसभा द्वारा संकल्प पारित कर राष्ट्रपति को भेजा जाता है तो वह आपातकाल वापस लेने के लिए बाध्य है। देखिए दोस्तों बाध्य तो हमको नहीं लगता कि वो सब बोल बोल दिया जाएगा तो राष्ट्रपति जी, हाँ बाध्य तो है ही बताओ। दो ए और दो दोनों सही है, आपातकाल लागू करने के लिए प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद लिखित सिफारिश करेगा राष्ट्रपति से, और लोकसभा संकल्प पारित करके राष्ट्रपति को भेजेगा, और जो है राष्ट्रपति उसको वापस नहीं कर सकते हैं। लोकसभा कोई भी बिल अगर पास करके दे दिया तो राष्ट्रपति उसको वापस नहीं कर सकते हैं, अगर बहुमत से पास कर दिया गया तो। लास्ट क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं, न्यायालय के निर्णय के खिलाफ कभी भी आप अपील नहीं कर सकते हैं। बिना किसी वारंट के तलाशी गिरफ्तारी भी की जा सकती है, इसे आम जनता तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त की। ये दोस्तों रॉयलेट एक्ट 1919 का है, कभी भी किसी को
गिरफ्तार कर लिया जाएगा और वकील भी नहीं रह सकते, सब रिलेटेड 1919 का प्रावधान था। तो दोस्तों ख़त्म हुआ है पेपर। पीडीएफ का पासवर्ड आप आशा करते हैं नोट कर लिए होंगे। चलिए इसके साथ आज के इस वीडियो को समाप्त करते हैं। वीडियो को दोस्तों लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। धन्यवाद, आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में।